अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलान आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जो मैं जॉब डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट केपीके। ये जॉब की लोकेशन जो है ये केपीके के लिए है, और जॉब जो का जो टेस्ट कंडक्ट होगी वो कंडक्ट होगी बाय ETEA जो के है एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन एजेंसी। तो ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एज की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी जो जॉब्स के टाइटल हैं और कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, कब तक अप्लाई करना है, पूरा तरीकाकार मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं तफसीलात पूरी। जैसे कि मैं मेंशन कर रहा था, ये जॉब्स जो हैं ये है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट केपीके की। तो इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, बैचलर होनी चाहिए, डिप्लोमा एसोसिएशन इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये जो है इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है तो इंजीनियर से ही उनको दरकार है। जॉब की जो कुल तादाद है और पोजीशंस अवेलेबल हैं 48 वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल हैं। जॉब की लोकेशन है पेशावर के लिए, और डिपार्टमेंट मेंशन कर चुका हूँ जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है केपीके का। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 25 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए नीचे पढ़ते हैं, कुछ मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो डिवीज़न है, रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फॉर द रेगुलर पोस्ट टू मेक अ रिक्रूटमेंट इन पेशावर। ये परमानेंट बेस है। वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ आर एलिजिबल टू अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकती हैं जो होंगी, टेस्ट कंडक्ट होगी बाय ETEA। जॉब्स के जो टाइटल हैं वो है असिस्टेंट उनको दरकार है, जो के है BA 16 की, सब इंजीनियर उनको दरकार है BS 12 की। ये तफसीलात लिखी हुई हैं, कैसे अप्लाई करना है ये पूरी तफसीलात से मैं आगाह करूँगा, और जो ETEA की जो वेबसाइट है वो भी ये मेंशन कर दूँगा। टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है कि कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपियर इन ETEA स्क्रीनिंग टेस्ट, हाउएवर डिटेल जो होगी सिक्योरिटी विल बी कैरिड आउट बाय अपॉइंटमेंट अथॉरिटी एंड इफ एनी कैंडिडेट फाउंड अनएलिजिबल इन एनी रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही और शी विल बी डिस्क्वालीफाइड, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा अगर आप अनएलिजिबल होंगे किसी भी स्टेज में। तो इंटरव्यू कॉल्स जो होंगे वो ओनली शॉर्ट लिस्टेड को ही दिए जाएंगे, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ही टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नीचे, तफसीलात देख लेते हैं। लास्ट डेट जो है 25 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है, जैसे कि लिखा हुआ इंटरेस्टेड कैंडिडेट में फर्स्ट विजिट जो के है वेबसाइट उनकी www.ete.edu.pk फॉर एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑनलाइन, ये इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आफ्टर सब जो सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन जो है डिपॉजिट फी स्लिप आपको मिलेगी, उसमें टोकन नंबर होगा, प्रोजेक्ट कोड, कैंडिडेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब चीज़ जनरेट होगी, उसका आप प्रिंट आउट लीजिएगा और उसकी जो है पेमेंट कीजिएगा किसी भी UBL की ब्रांच में या UBL ओमनी में किसी भी एजेंट पे जाके आप वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसकी वो ऑटोमेटिक जनरेशन जो होगी वो करने। और अगर आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन और जैसे ही आप पूरी कंप्लीट जो है डिपॉजिट जो स्लिप होगी वो पेमेंट कर देंगे, तो जो डिज़ायर स्टैंप होगी उसके साथ जो स्टैंप लगी होगी वो किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिफ्थ लाइन में देख सकते हैं, आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन डू नॉट सेंड योर डॉक्यूमेंट और टेस्टो मैनुअल्स जो है ETEA की अफसर, उनको आपको सेंड नहीं करने, बस अप्लाई करना है और फॉर्म की जो फीस है वो पेमेंट करनी है। आफ्टर दैट यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, वो आपको पूरा इन्फॉर्म करेंगे। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS बाय द ETEA टू डाउनलोड द रोल नंबर एंड प्रिंट आउट कर सकते हैं अपनी स्लिप्स जो उनकी वेबसाइट पर होंगी, वो फर्दर होंगी जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो बस इसके लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है एक्सेप्ट, इनको कुछ सेंड नहीं करना, पेमेंट करनी है।
आफ्टर डाउनलोडिंग जो होगी आपकी स्लिप जो होगी डिपॉजिट स्लिप उस पर स्टैम्प करवाना है बैंक से और पेमेंट भी हो जाएगी वो भी मैसेज अगर आपके पास आ जाए तो आप मैसेज भी रख सकते हैं। ये उनकी तफसीलात लिखी हुई हैं एड्रेस पे लिखा हुआ है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा प्लॉट नंबर 40 सेक्टर बी 2 फेज 5 हयात आबाद पेशावर। ये उनकी एड्रेस है ये उनका नंबर है इसके मुतलिक अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो मालूमात ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता जा रहा हूँ। एज की क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा था एज की क्राइटेरिया जो लिमिट है वो जो है असिस्टेंट बीएस की 21 से 32 होनी चाहिए और सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसकी पोस्ट एट अवेलेबल है। ये जोनल कैटेगरी और जो है कोटा एलोकेशन वुमेन के लिए हर चीज़ लिखी हुई है। जो है सब इंजीनियर की जो है 12 स्केल 12 की है जिनकी तादाद जो है 40 अवेलेबल है 40 जॉब्स अवेलेबल हैं 40 वैकेंट पोजिशंस हैं। इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का टेक्निकल बोर्ड से तो इनकी भी कोटा लिखी हुई है वीमेन के लिए 17 माइनॉरिटीज़ के लिए 4 ये पूरी तफसीलात लिखी हुई है। इनकी एज जो है 18 से 30 होनी चाहिए। बाकी नीचे वही पॉइंट्स हैं वो जो मेंशन कर चुका हूँ और पेमेंट कैसे करनी है वो भी मैंने मेंशन की है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। तो फिर किसी नई जॉब के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।